और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में पराली जलाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर साल इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है और हर साल सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाता है, लेकिन फिर भी होता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार ने अधिकारियों से गलत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरअसल कहा गया कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने गलत बयानबाजी की है। इतना ही नहीं, अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। पराली जलाने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कोई पराली जलाते हुए दिखाई देता है तो आप एक्शन लीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। दिल्ली सरकार से लेकर हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को इस बात को लेकर आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अधिकारियों ने जो है साफ तौर पर अवमानना की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नीतू झा की आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली की पहचान यमुना से है और यमुना किनारे हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर छठ का महापर्व मनाते हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद हूं, लेकिन यहां अगर आप घाट को देखें तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यमुना का दम घुट रहा है। जीवनदायिनी यमुना जिससे दिल्ली की पहचान थी, आज वो कुछ इस तरह नजर आती है। एक और जहाँ दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से परेशान है, उनका जीना बेहाल हो रहा है, वहीं जल प्रदूषण भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यमुना को देख पाना इस वक्त मुश्किल है। आपको यमुना सफ़ेद झाग की चादर से ढकी हुई नज़र आएगी। कालिंदी कुंज की घाट की ये तस्वीरें आज की नहीं है, बल्कि हर साल जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता है जल प्रदूषण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। AQI 350 के करीब है। अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो वहाँ ये बढ़कर 400 के पार हो गया है। दिल्ली में फिलहाल ग्रेप 2 लागू है, लेकिन इस बीच सवाल कई हैं कि आखिर प्रदूषण कम करने के लिए लगातार जो मीटिंग हो रही है, ग्रेप का लेवल 1, ग्रेप लेवल 2 लगा दिया गया है, इस बीच प्रदूषण कम कब होगा? यमुना की सफाई करने के जो दावे और वादे हो रहे हैं, क्या यमुना वाकई में साफ होगी या यमुना का दम धीरे धीरे रोजाना बढ़ते प्रदूषण के साथ यूं ही घुटता रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।